इजी आया था ये 2020 में। देखो एक और क्वेश्चन आया था, ये आसान क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। अब देखो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, अगर कोई बॉडी है तो जब इसको हम हीट देते हैं तो ये ध्यान देखना, ध्यान देना कि ये जो हीट है बेसिकली इधर दो फार्मूले बहुत फेमस है। अगर मेरा दिया गया हीट हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाता है तो हीट का फार्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल टू सी एम डेल्टा थीटा। ध्यान देखना ये इक्वेशन कब लगाएंगे, जब इस बॉडी का टेम्परेचर थीटा वन से थीटा टू चेंज हो गया होगा। अगर ये बॉडी अपना स्टेट चेंज कर लेती है तो मैं हीट का फार्मूला लगाऊंगा एम एल, ठीक है, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, एल इज द लेटेंट हीट। जब ये फेज चेंज होगा, जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अपना फेज बदलेगी तो ये फार्मूला लगाएंगे हीट का, और जब अपना टेम्परेचर बदलेगी तो ये फार्मूला लगाएंगे, वेयर सी इज द स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, क्यू इज द गिवन हीट। अभी क्या हो रहा है, कौन सा लगेगा भाई, अभी फर्स्ट वाला लगेगा, क्लियर है, तो क्योंकि हमें टेम्परेचर चेंज करना है। तो क्या अगर टेम्परेचर चेंज करना, सिर्फ रेडियस दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर टू सॉलिड स्फीयर। अब हम लोग पास दो सॉलिड स्फीयर है, उनकी सिर्फ रेडियस है आर वन आर टू, तो कितनी हीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर टू सॉलिड स्फीयर आर वन एंड आर टू थ्रू द वन केल्विन इन द रेशियो। मान लो इस केस में हमें हीट क्यू वन दिए और इसमें हमने क्यू टू दिया, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, वन केल्विन, वन केल्विन दोनों का बढ़ाना, मतलब डेल्टा थीटा दोनों का सेम है, डेल्टा थीटा वन दोनों का सेम है, दोनों का क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर टू सॉलिड स्फीयर रेडियस आर वन एंड आर टू, ठीक है, टू सॉलिड स्फीयर सेम मटेरियल है, स्पेसिफिक हीट जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट हमें, जो हीट है, अब मास हमें पता नहीं, इन दोनों का मास पता नहीं, तो मास को मैं लिख दूंगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो, ठीक है, जो हीट है वो मिल जाएगा, मास इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी रो और स्पेसिफिक हीट और ये डेल्टा थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हीट की रिक्वायरमेंट है वो मटेरियल डेंसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, हीट रिक्वायरमेंट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, है ना, बराबर है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू वन अपन क्यू टू इज इक्वल टू आर वन अपन आर टू, लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है कि R1 इज इक्वल टू 1.5 R2, इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 मतलब ये हुआ कि 15/10, मतलब ये आ जाएगा कि 3 R2 अपॉन 2, इसका मतलब ये हुआ कि पावर Q, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि R1, यहाँ से R1 रखोगे तो R1 अपन R2 इज इक्वल टू 3/2 के ए पावर क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि 27/8, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑफ द हीट रेशियो 27/8, दैट इज फोर्थ ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है।